हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वन प्लस मोबाइल में किसी ऐप का डाटा क्लियर कैसे करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग को खोज लेना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब जिस ऐप का क्लियर डेटा करना है उस ऐप को यहाँ से आप खोज सकते हैं, या फिर उसका नाम सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए तो यहाँ पर इस नेम से सभी ऐप्स आ चुके हैं। तो जिसका भी क्लियर डेटा करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है उस ऐप पर। फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर डेटा मिलेगा, हो सकता है आपके फ़ोन में नीचे मिले तो क्लियर डेटा का ऑप्शन लिखा रहेगा, क्लियर डेटा पे क्लिक करके ओके कर देना है, ऐप का क्लियर डेटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप बैक आकर देखिए फिर किसी भी ऐप को कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज यूजेज और यहाँ क्लियर डेटा और ओके, क्लियर डेटा हो चुका है, काफ़ी आसान है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है नीचे, तो फिर कोई बात नहीं, आप सेटिंग में आकर ऊपर सर्च बार में क्लिक करके अगर लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, या ऐप्स का आप थोड़ा चेक लेना अपने फ़ोन में, क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। ऐप लिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से भी क्लियर डेटा कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो गाइस देखिए, क्लियर डेटा हो चुका है। क्लियर डेटा करने के बाद किसी भी ऐप का आप प्ले स्टोर पर चेक कर लेना, अपडेट रहेगा तो अपडेट कर लेना, फिर आप उस ऐप का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।